नमस्कार, मैं हूं शिनाकदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का बागड़ पोस्ट। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइन पर। बांसवाड़ा की हिमानी जोशी ने किया कमाल, शादी के बाद बीबीएम और एलएलबी की, अब एलएलएम में गोल्ड मेडल, आरजेएस की तैयारी। डूंगरपुर जिले से गुजर रही 6 लेन सड़क का सफर अहमदाबाद तक अब 4 नहीं 3 घंटे में पहुंच पाएंगे, पहली बार दुर्घटना रहित सड़क बनी। डूंगरपुर में पुराना अस्पताल में कल होगा कोरोना वैक्सीनेशन का डेमो। और शहर में 4 करोड़ रुपए से 200-200 सीट के 2 मल्टीप्लेक्स बनेंगे, शहर के थिएटर में आप देख पाएंगे फिल्म। और अब खबरें विस्तार से। बांसवाड़ा शहर निवासी 35 वर्षीय हिमानी जोशी ने हाल ही में जीजीटीयू से एलएलएम में गोल्ड मेडल जीता। हिमानी उन तमाम महिलाओं के लिए उदाहरण है जो यह मानती हैं कि शादी के बाद पढ़ाई बेहद ही मुश्किल है, क्योंकि हिमानी ने शादी के बाद ही 3-3 डिग्रियां हासिल की हैं। 2 बच्चों की मां बनने के बाद ही हिमानी को बीच में 5 साल के लिए पढ़ाई से ब्रेक लेना पड़ा, लेकिन उसने लक्ष्य तय कर रखा था, इसलिए मौका मिलते ही फिर पढ़ाई शुरू कर दी थी। महज 19 साल की उम्र में हिमानी की शादी हो गई और 21 साल की उम्र में वह मां बन चुकी थी। शादी के वक्त 12वीं पास से लेकर बीबीएम, एलएलबी और एलएलएम में गोल्ड मेडल तक की सफलता यह बताती है कि पढ़ाई के लिए कोई उम्र नहीं होती। दरअसल हिमानी की साल 2004 में ललित कुमार से शादी हो गई, 3 साल बाद वह मां बन गई। पीडब्ल्यूडी से सेवानिवृत्त एक्सन पिता अनिल जोशी और जिला परिषद सेवानिवृत्त एक्सन ससुर सीएल बुनकर ने पढ़ाई को लेकर हमेशा प्रेरित करते रहा। ऐसे में हिमानी ने उसी साल बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट यानी कि बीबीएम में प्रवेश लिया। साल 2010 में हिमानी ने अरावली कॉलेज से पहली डिग्री बीबीएम की हासिल की। इसके बाद हिमानी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 2012 में हिमानी की बेटी हुई, दोनों बच्चों की देखभाल के लिए 5 साल तक पढ़ाई से ब्रेक लिया, लेकिन हिमानी को अपना लक्ष्य पता था। साल 2015 में एलएलबी में प्रवेश लिया, इसी बीच उसने लियो कॉलेज में बतौर व्याख्याता नौकरी भी की। साल 2010 में बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की। इस डिग्री से हिमानी कहीं पर भी नौकरी कर सकती थी, लेकिन हिमानी ने तय कर लिया था कि वह आगे और पढ़ाई करेगी, इसलिए एलएलएम में दाखिला लिया। पिछले दिनों एलएलएम में बेहतर प्रदर्शन के लिए गोल्ड मेडल भी मिला। पिछले साल ऑल इंडिया बार काउंसिल की परीक्षा पास कर वकालत करने की पात्रता हासिल कर ली है। हिमानी बताती है कि मैं नई पीढ़ी से और खासकर लड़कियों से यह जरूर कहना चाहती हूं कि जीवन बदलाव का नाम है, इसमें समय के साथ बदलाव आते रहते हैं। खुद को इन बदलावों के साथ एडजस्ट कर जिस समय और हालात में जिस भी काम को शुरू करें उसमें सफलता पाने तक संतोष न करें। अक्सर लड़कियां सोचती हैं कि शादी के बाद पढ़ाई मुश्किल है क्योंकि ससुराल में काम और बच्चों की परवरिश का जिम्मा भी बढ़ जाता है, लेकिन बेहतर मैनेजमेंट से पढ़ाई कर सकते हैं। हिमानी अब न्यायिक क्षेत्र में जाना चाहती है, आरजेएस की तैयारी भी कर रही है। हमारे लिए अब उदयपुर और अहमदाबाद का सफर और आसान हो जाएगा। नेशनल हाईवे 8 दिल्ली से मुंबई को जोड़ने वाले इस सड़क में डूंगरपुर जिले से गुजर रही 6 लेन सड़क का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। इस सड़क में कुछ पुलिया की फाइनल टचिंग और संकेतक के साथ ही थोड़ा बहुत काम बाकी चल रहा है। इसको देखते हुए यह कार्य आगामी 2021 में पूरा होने वाला है। इससे जिले के विकास में दुगनी रफ्तार के साथ कार्य होगा। 6 लेन के तहत जिले में मोतली मोड़ से रतनपुर तक करीब 59 किलोमीटर की लंबी सड़क आती है। पहले डूंगरपुर से उदयपुर आने में करीब 2.5 घंटे का समय लगता था, अब यही सफर 1 से 1.5 घंटे में पूरा हो जाएगा। वहीं डूंगरपुर से अहमदाबाद जाने में पहले 4 घंटे से अधिक का समय लगता था, अब यह सफर 3 घंटे में पूरा हो रहा है। डूंगरपुर से उदयपुर तक का काम तो लगभग पूरा हो चुका है, वहीं अहमदाबाद मार्ग पर भी डूंगरपुर की सीमा तक का कार्य लगभग पूरा हो गया है। श्यामला जी से लेकर अहमदाबाद तक का मार्ग में कुछ जगहों पर कार्य चल रहा है, पर उम्मीद की जा रही है कि साल के अंत तक यह काम भी पूरा हो जाएगा। इस 6 लेन से डूंगरपुर सीमा में कई पुलिया, ओवरब्रिज और अंडरपास बनने से दोनों तरफ बने गांवों में दुर्घटना रहित सफर हो गया है। वहीं लेन अलग अलग बनने से एक्सीडेंट का खतरा भी कम हो गया है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। गुलाबी सर्दी अब देने लगी है दस्तक, और सर्दी है तो गर्म कपड़े याद आएंगे ही। तो 25 सालों से उदयपुर संभाग का भरोसेमंद, हर वर्ष की तरह इस बार भी आपका अपना तिब्बतीयन मार्केट समूर बाग उदयपुर में सज चुका है, जहां आपको फिक्स रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे अपडेटेड और लेटेस्ट फैशनेबल कलेक्शन, ट्रेंडिंग क्लॉथ्स, सीजनेबल कपड़े, शॉल, स्वेटर, जैकेट, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी। उदयपुर के समोर बाग में आपका तिब्बतीयन मार्केट सरकार की स्वीकृति और कोविड-19 गाइडलाइन के अनुसार। हर ग्राहक है हमारा मेहमान, जिसका रखते हैं हम खास ख्याल, साफ सफाई और सैनिटाइजेशन की पूरी सुविधा और व्यवस्थित पार्किंग के साथ। तो सोच क्या रहे हैं, चले आइए उदयपुर के समोर बाग में स्थित तिब्बतीयन मार्केट में, फैशनेबल, सुसज्जित और कोविड से सुरक्षित तिब्बतीयन मार्केट।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोविड 19 वैक्सीनेशन को लेकर शनिवार को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय परिसर स्थित पुराना अस्पताल में टीम को डेमो दिया जाएगा। सीएमएचओ डॉक्टर महेंद्र कुमार परमार के अनुसार गुरुवार शाम को आरसीएचओ एवं वैक्सीनेशन प्रभारी डॉक्टर कांतिलाल के साथ पुराना अस्पताल में निरीक्षण कर वैक्सीनेशन सेंटर में व्यवस्थाओं को देखा। शनिवार को कोविड 19 वैक्सीनेशन के डेमो को लेकर टीम को निर्देशित कर दिया गया है। डेमो के दौरान वैक्सीनेशन सेंटर की टीम मौजूद रहेगी तथा अधिकारियों की मौजूदगी में इसका डेमो होगा। डेमो में मरीज को वैक्सीन लगाना और वैक्सीन के बाद इसके होने वाले साइड इफेक्ट्स को दूर करना आदि बिंदुओं को भी चेक किया जाएगा। नगर परिषद की ओर से वसुंधरा विहार में करीब 4 करोड़ की लागत से 200-200 सीट के 2 मल्टीप्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है। नए वर्ष में इनका निर्माण पूर्ण होने के बाद शहरवासी इनमें फिल्म देख सकेंगे। मल्टीप्लेक्स का निर्माण करीब 30,000 स्क्वायर फीट जमीन पर किया जा रहा है। इसमें गार्डन, पार्किंग, रेस्टोरेंट और अत्याधुनिक प्रतीक्षालय बनाया जा रहा है। शहरवासियों के मनोरंजन के लिए मल्टीप्लेक्स काफी अहम होगा। प्लान के अनुसार हॉल में हाई रेजोल्यूशन फिल्म प्रोजेक्टर के माध्यम से ऑनलाइन दिखाई जाएगी। एक तरह से यह मल्टीप्लेक्स अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होकर डिजिटल होगा। सिनेमा हॉल में भी डॉल्बी डिजिटल साउंड लगाया जाएगा। हॉल में एक बार फिल्म देखने के बाद मेट्रो सिटी का आभास होगा। मल्टीप्लेक्स मई जून तक तैयार होने के बाद शहरवासियों के सुपुर्द हो जाएगा। वागड़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।